तो बुखार आया था और चेकअप कराने के लिए देखिए गोगिना इतने दूर जाना पड़ता हम लोगों को। हेलो जी, जय कुमाऊ, जय गढ़वाल, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में। हमारे ताऊ जी ने गेहूं है अभी बाहर सुखा दे। आज चूटोगे इसको? आज इसको चूटोगे ना बुआ जी, घर जाना। हाँ, हमारी बड़ी मम्मी जी भी आ गई सुबह सुबह। हमारी बड़ी मम्मी जी ने पूरे डोके में महूर का जो दाल है लेके आ गई। ऐसा लग रहा है आपकी तबीयत खराब हो रही है। तबीयत खराब हो बेटी, जोर बुखार फिर भी काम कर रहे हो। भाभी जी भी आ गई है खेतों से। हमारी दादी जी स्टार्ट हो गई है पशुओं के लिए घास काटने के लिए। रैगी के लिए लॉलीपॉप है। दादी तो अभी भी बीड़ी पीने में लगे सुबह से। अभी तक कितना बीड़ी पी दिया होगा आपने? मेरा बापा कमाई पी रहा हो, फिर बीड़ी नहीं पीऊंगी। मरोगे भाई जल्दी? अपना आप मरूंगी, फिर खुश रहना। हमारे बुबू जी भी आ गए हैं गेहूं लेके। गेहूं लेके आ रहे हो? हाँ बुबू, गेहूं ला रहा हूँ। किसके वहाँ था? बसराम के वहाँ। अच्छा, आपका खेत होगा ना? हाँ, मेरे खेत में बोया था। उन्होंने बोया होगा। हाँ, हाँ। अदीला बोलते हैं जो हम। हाँ, अदीला कहते हैं। अच्छा, तो मिला गेहूं? सही मिला है? सही मिला है। अरे वाह वाह, और सब बढ़िया हो रहे हो? सब बढ़िया बुबू, आप लोग भी ठीक ठाक हो बुबू? बढ़िया है बुबू। गेहूं लेके जा रहे हैं बुबू जी अभी घर की तरफ। अभी छत में जो है बड़े पापा जी ने पूरे के पूरे जो गेहूं सुखा दिए हैं। इतने सारे जो मोटे हैं, इन सभी मोटों में गेहूं भी ये देखो टूट के सुखा दिया है। हमारी आराध्या भी आ गई है नामिक की तरफ, थोड़ा घर से आई है। हेलो कर दो। इधर देखिए, ऐसे उन धूप में सुखाने के लिए रख दिया है। भाभी लोग लेके आ रहे थे गेहूं का तना। दी लोग जा रहे हैं अभी खेतों में। आज का जो मौसम है कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही ज्यादा प्यारा। खुशी की बात ये भी है कि हमारे होम स्टे में गौरैया ने ना फिर से बना रखा है एक प्यारा सा घोंसला। हमारे पापा जी भी जा रहे हैं आज दुकान का सामान लेने के लिए। पीट जाओगे? पीट जाएंगे और तैयार हो गए हैं। ठीक से पापा नमस्ते। हाँ बाय बाय, आ जाओगे? हाँ, वैसे भी रात हो जाएगी। सामा से दो रोड कटती है, एक तो जाती है आपकी बागेश्वर साइड को, दूसरी जाती है आपकी रमाड़ी क्विटी साइड। तो मेरे पापा जी क्विटी साइड जाएंगे और गाड़ी जो है बुकिंग करना पड़ता है। पहले तो हम लोगों ने ये वाली जगह में जौ बोया था, अब तो देखिए हल भी लगा दिया और मडुआ बोने की तैयारी हो गई है हमारी। यहाँ पर क्या बो रखा अम्मा? यहाँ पर जो है चूहा की खेती करी गई है। ये जो खेत है, ये खेत है आपका गेहूं का। पक्षियां होती हैं वो बहुत ज्यादा फसलों को कर देती नष्ट। ये है आलू की खेती और देखिए अब तो लगने लग गए हैं फूल। और साथ ही ना हम लोग यहाँ पर आदमी बनाते हैं, ये आदमी रखवाली करते हैं। जो जंगली जानवर होते ना वो कर देते फसल नष्ट। वो समझते कि हम लोग आदमी हैं खेतों में ही, तब जाके ज्यादा आते नहीं है। यहाँ पर हमारे ताई जी है। जाना गाड़मा? ए गाड़मा जाने क्यों? अच्छा गेहूं टीपने? दादी जी जो है गेहूं टीप रही है। टीप दिया अमो? सब गेहूं टीप दिया? गेहूं टीपने का बोल बैलन का। हां लिखे करना खोल टीपने का बा। अच्छा टीम ने टीप का ना टीप भेज रहा आज का? न टीप रहा है आज? आज अब ले रहा कुल जा रहा है। अब तो प्रियांशु जो है एक में पहुंच गया है। पहले तो इसको 12 तक पहाड़े आते थे, अब कितने तक आता है? 17 तक आता है। अरे बाप रे, ठीक है स्कूल जाओ, तुम लेट हो रहे हो। हाँ अम्मा का बालूर यहाँ आ गया है, इस बालूर को पकड़ना पड़ेगा अब। बैठ गए भाई। यहाँ पर भी हमारे बड़े मम्मी लोगों ने, मम्मी गेहूं सुखा रखा है, जो सुखा दे रखा है, देखो कुछ इस प्रकार से सभी। रैगी मारूंगा। ये है जौ और जौ भी सुखाने के लिए रख दिया है और कप का इसको टीप दिया था। यहाँ पर ये सब लोगों का बिल्ली है और ये बताने क्या क्या देख रही नीचे। ले हमारे ताई जी लोग दीदी लोग पर जो गेहूं और टीप रहे हैं बढ़िया करके। पूरा का पूरा एरिया है ये, पूरा का पूरा एरिया गहरार बोलते हैं इसको। बहुत ज्यादा दूरी तय करने के बाद यहाँ पर है एक पानी का जलधारा, तो थोड़ा बहुत पानी पीते हैं क्योंकि हम लोग बहुत दूर से आए हैं। आगे मुझे पता ही नहीं था, जो मैं हूँ गोगिना की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ पर जो एक बहन है ना हमारी, उनकी बच्ची का नामकरण है। कितनी दूर जा रही है? तो बनियार गाँव नातेरो। अच्छा जा रहे थी बा, खुशी दे रहे। घाघरा लगा रखा है बढ़िया करके दोनों पुजो ने, बढ़िया लगना। हाँ मनु हो गई भाई।
आगे ना यहीं पर जो है लड़ाई हुई थी। हम लोग बीच में जा भी नहीं सकते थे वरना हमको ही खतरा था। बड़े मुश्किल से हम लोगों ने उनको छुड़ाया। अब जाके जो है आजकल बारिश इतनी ज्यादा तेज लगी, रोड की हालत भी कुछ इस प्रकार से हो गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे ताऊ जी हैं जिनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी। क्या हुआ था आपको? बुखार आया था। ताऊ जी को भी बहुत ज्यादा बुखार आया था। गाँव से पैदल चल के गोगिना एक हॉस्पिटल है वहाँ पर चेकअप करा रहे थे। हम लोगों को इतनी ज्यादा कठिनाइयाँ हैं। नेटवर्क की बात तो आपको पता ही है, आपका खुद देवभूमि ब्लॉगर 10-15 वीडियो बना के शहर जाता अपलोड करने के लिए। आखिरकार दोस्तों हम लोग गोगिना पहुँच चुके हैं। यहाँ पर एक हॉस्पिटल हफ्ते में कभी कभी खुलता है। आतिर हुआ, गोगिना हो गया, मोबेरी, नामिक, केमू, जो लोग बीमार होते हैं ना यहीं पर आते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं गोगिना। इस जगह का नाम आपका फुरमुला। नामकरण हो गया? नाम क्या है? मेघना नाम है उसका। ये हमारे गांव के लिए रोड की कटिंग हो रही है और इतना सारा बचा है ये पूरा का पूरा। नामकरण का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे ना। कोई भी व्यक्ति पहली बार धरती में आता है उनका जो नाम होता है, जिस नाम से हम लोग पुकारते हैं, जैसे मेरा है राहुल नाम है मेरा असली। और यहाँ पर खाएंगे अब सभी लोग मिलजुल कर खाना खाएंगे। और सभी जो लोग हैं यहाँ पर अलग अलग जगह से आए हैं, कुछ इस प्रकार से लाइन वाइज बैठा जाता है। खाना खाने से पहले पूरी और प्रसाद दी जाती है हमेशा ना। यहाँ पर था रसोई और यहाँ पर भी देखिए खाना बनाया जा रहा था। एकदम सभी लोग जो हैं लाइन वाइज बैठते हैं कुछ इस प्रकार से। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो चलते हैं अब अपने गांव नाविक की तरफ। गेहूँ काट दिया है, अब देखिए जो उसके तने होते ना कुछ इस प्रकार बांध दिया है। ये जो तने होते हैं पशुओं के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होते हैं। 6:30 हो गए शाम के, दादी लोग भाभी लोग लगे पड़े हैं काम में। पहुँच गया आपको? कहाँ से लेके आऊँ मैं शादी करके? गोगिन से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गांव में। चल सूर्य ठीक है, चलते हैं, बहुत थकान लग गया है। हमारी तो छोटी छोटी बच्चियां हैं। कहाँ से आ रहे हो घास काट के? ये देखिए कितने कितने में पढ़ते हो? 5। और प्रिया देखो 5 और 6 में पढ़ते हैं। और देखो डोके में ना पशुओं के लिए घास ला रहे, हरी वाली। भारी हो रहा है? पहाड़ की जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है ना, इतनी ज्यादा कामदार होती हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो है घर के काम भी करती हैं। जो हमारी ताई जी है गेहूं को कुछ इस प्रकार से जो है सही कर रही है। आजकल हमारे गांव में अधिकतर जो लोग हैं गेहूं का ही काम कर रहे हैं। अर्जुन भी काम में लग गया है, देखो गेहूं को सही कर रहा है ये। सही सही गेहूं होगा नीचे को जाएगा। फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं। चलो रेगी चल रहे घर, आओ चलो चलो। आज थोड़ा बहुत किचन सूना सूना लग रहा है क्योंकि मेरी दादी जी दुकान संभाल रही हैं और मेरे पापा जी सामान लेने गए थे आज दुकान का। जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे गांव में रोड न होने के कारण पापा जी आज नहीं आ पाए, कल शाम तक ही पहुंचेंगे सामान लेके दुकान का। थोड़ा बहुत आज मैं रोटियां बना लेता हूँ फटाफट एकदम पहाड़ी तरीके से, ठीक है? हम लोगों ने खाना नहीं खाया और रैगी को दे दिया फटाफट खाना। हमारा रैगी का आज नया चश्मा है, कितना प्यारा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। रैगी तो टीचर बन गया है, टीचर बन गया टीचर। ये देखो खुद निकालेगा, खाना मत उसको। ए तो दोस्तों फटाफट आटा गूंथ लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ही ज्यादा हो गया है। अब हम लोग जो है रोटी बनाते हैं। गोल रोटी बनी नहीं बनी है क्योंकि मैं पूरा गोल रोटी बनाता हूँ। तो दोस्तों ये लोग ना सुनाते रह रहे हैं, पहले तो ये नहीं है यहाँ पे एक महात्मा जैसी, अपना तो बोले एक एक रोटी बनाओ करके और अभी बोले एक एक रोटी बना रहा है, कह रही खाली भी। देखो मैं कितना गोल रोटी बनाता हूँ, आप भी बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में। हाँ पहाड़ों की खूबसूरती की बात ही कुछ अलग होती है। मेरी पढ़ाई तो दिल्ली में पूरी हुई, मैं घर में ही आ गया यहाँ, मुझे अपने पहाड़ों से प्यार है तब जाके। तो रोटियां बन के हो गई है तैयार, ये 4 रोटियां हैं और आग में तो इनको सेकना बहुत ज्यादा टफ पड़ जाता है जब आप अकेले होते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज का सफर काफी ज्यादा अच्छा था। अभी मैं होम स्टे में आ गया हूँ क्योंकि आज यहाँ पर कोई नहीं था ना, तब जाके रैगी को मैंने नीचे बांध दिया है। मैं भी जो है अब सो जाता हूँ, ठीक है? मिलते हैं बहुत जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज यार लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा था करके, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देवभूमि उत्तराखंड। और ये देखो अभी आटा का जो था धुलाई नहीं है।